हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाता। हमारा हर शहीद जब दुनिया से जाता है तो अपना ऐसा जानशीन छोड़ के जाता है जो उसकी जगह को पुर कर लेता है। लोग समझ रहे थे कि हम शहदाए करबला की लाशों को पामाल करके और उनको बेरोकोरो कफन छोड़ करके चले जाएंगे तो अकवालों का नाम मिट जाएगा, लेकिन खुदा कहता कि नहीं, ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे पास है, हक की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे पास है। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हो गए तो मैदान उनके लिए खाली हो जाएगा। वजह क्या है? आप इस ताकत को महसूस कीजिए जो हमारे पास है, जो किसी के पास नहीं है। हमारा जब भी कोई सिपाही मैदान में जाता है, वो तरबियत के बाद जाता है, ट्रेनिंग के बाद जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज उसकी पुशबानी पर रहती है वो इमाम में वक्त की रहनुमाई है, जो हर वक्त उसका साथ देती रहती है। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए तुम उनको मुर्दा ना समझो, वो जिंदा है। आज 40 साल ज्यादा इनकलाब ईरान को हो रहे हैं और ये वाहिद मुल्क ऐसा है कि जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन जालिम के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं।